आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडेंस लगाई जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस नई व्यवस्था को 30 मई तक लागू कराने का निर्देश दिया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। अब यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और स्टाफ मेंबर्स के आने जाने पर सख्त पहरा होगा। मतलब ये कि कोई भी अब काम चोरी नहीं कर पाएगा। सबके यूनिवर्सिटी में आने और जाने के समय का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सूबे के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभागों को पत्र भेजकर व्यवस्था को 30 मई तक लागू करने की हिदायत दी गई है, ताकि जून महीने का वेतन इस नई प्रणाली से हो सके। इसके माध्यम से सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सेंट्रल सर्वर पर मौजूद रहेगी। राज्यपाल की तरफ से ये भी निर्देश है कि सभी स्टाफ मेंबर्स की उपस्थिति और वेतन के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को वेतन भुगतान पद्धति से लिंक कराया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालयों में ऐसी शिकायतें आ रही थी कि टीचर्स और स्टाफ के समय पर ना आने और समय से पहले चले जाने से कार्य प्रभावित हो रहा था। शिक्षकों और स्टाफ के समय के पाबंद नहीं होने की वजह से छात्र छात्राओं को दिक्कत महसूस होती थी। इसी को देखते हुए सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।